गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम फिफ्थ सेम सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सी सेक्शन के लिए लेक्चर है। इसके पहले जो हमने देखा प्रॉब्लम में स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन देखा और जर्नल एंट्रीज देखी, लेकिन बैलेंस शीट बच गई थी, तो उसी प्रॉब्लम की जो बैलेंस शीट है बैलेंस कंपनी की वो देखना है। इसलिए हमने बैलेंस शीट ड्रॉ किए, बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2008 ड्रॉ कर लिए। लाइबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज, वन बाय वन हम चलेंगे। ये प्रॉब्लम में ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, इसलिए हमने ऑथराइज कैपिटल देखा यानी लिखा यहाँ पे। इसके पहले के प्रॉब्लम में ऑथराइज कैपिटल नहीं था, इसलिए ऑथराइज कैपिटल वो बैलेंस शीट में नहीं है। ये प्रॉब्लम में ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, इसलिए ऑथराइज कैपिटल लिखा हमने। ऑथराइज कैपिटल 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच, मतलब 15 लाख। उसके बाद में 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 75 ईच, 22,50,000, टोटल 37,50,000 क्लोज कर दिए। उसके बाद में इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल, हेडिंग लिखा इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। पहले प्रेफरेंस शेयर्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है 22,500 एट द रेट ऑफ, अभी कितना पेड है ये 50 रुपीज, रुपीज 50 ईच फुल्ली पेड, तो आते हैं 11,25,000। वैसे ही इक्विटी शेयर्स 15,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ रुपीज 75 ईच फुल्ली पेड, यानी 25 रिड्यूस किया था, यानी पेड कितना है अभी 75, इसमें 100 था 50 रिड्यूस था यानी 50 पेड है, इसमें 25 रिड्यूस था 100 में से, अभी 75 पेड है, तो 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 75 ईच फुल्ली पेड, तो आता है 11,25,000। जो बैलेंस शीट थी प्रॉब्लम में दी हुई उसमें से क्या बचा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ भी बोला हुआ नहीं है यानी एज इट इज है 60,000। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स कुछ भी बोला हुआ नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000, कुछ भी बोला हुआ नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं बोला हुआ है, यानी एज इट इज जैसे के वैसे वो आए 90,000। असेट साइड में देखते हैं, जैसा जैसा प्रॉब्लम में कंडीशंस दिया था उसी प्रकार से हमको लिखना है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो अमाउंट दिया हुआ है लीज होल्ड प्रीमाइसेस का 3,92,400 माइनस रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन कितना करना था, रिटर्न डाउन करना था 92,400, तो इसमें से माइनस किया, आउटर कॉलम में कितने बचे 3 लाख। जैसा जैसा हमको राइट ऑफ करने के लिए बोला था उसी प्रकार से यहां से राइट ऑफ करके अमाउंट बाहर लेना है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था 1,26,600, रिटर्न डाउन कितना करना है 25,320, माइनस करके आउटर कॉलम में आता है 1,01,280। उसके बाद में पैटेंट्स, पैटेंट्स है 25,50,000, माइनस राइट ऑफ करने के लिए बोला था बचा हुआ बैलेंस वो निकला था 8,56,380, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में 16,93,620। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स वैल्यू है इसकी 22,29,500, माइनस जो है प्रोविजन 20% की प्रोविजन बोला था अतः 45,900, माइनस करने के बाद 1,83,600। उसके बाद में स्टॉक इन ट्रेड इसकी वैल्यू है 1,65,000, माइनस राइट ऑफ करने के लिए बोला था 45,000, राइट ऑफ करने के बाद में आउटर कॉलम में आते हैं 1,20,000। कैश इन हैंड एज इट इज कुछ भी बोला हुआ नहीं है यानी कैश इन हैंड एज इट इज, यानी बैलेंस शीट करते वक्त सबसे पहले तो शेयर कैपिटल की वैल्यू देखना है कि शेयर कैपिटल के बारे में क्या बोला है, जो रिड्यूस वाली जो वैल्यू है वो पकड़ के आप पेड अप वैल्यू कितनी है ये पहले आपको ध्यान में रखना है, यानी ये दो अमाउंट इक्विटी शेयर्स, ये प्रेफरेंस शेयर्स की और इक्विटी शेयर्स की। इसके बाद में जो है बैलेंस शीट में जो है बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज जैसे है वैसे 60,000।
उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में भी कुछ भी बोला हुआ नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी एज इट इज जैसे थे वैसे। असेट लिखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि कौन से असेट के बारे में क्या वैल्यू, क्या कंडीशंस प्रॉब्लम में दी हुई है, वो कंडीशन के हिसाब से जो है वो असेट साइड में चलना है। तो कंडीशन में जैसे जैसे यहाँ पर लीजहोल्ड प्रीमाइसेस में रिटर्न डाउन की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमने उसमें से माइनस किया, रिटर्न डाउन वैल्यू आउटर कॉलम में ले लिया वो। वैसे सेम प्लांट एंड मशीनरी में रिटर्न डाउन की वैल्यू है 25,320, माइनस करके हमने जो है अमाउंट लिखा आउटर कॉलम में। पेटेंट जो है बैलेंस निकाला था हमने, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला हुआ था जो भी बचा हुआ बैलेंस है वो पेटेंट्स के राइट ऑफ में इस्तेमाल करना है। तो बैलेंस बचा था 8,56,380, तो पेटेंट्स को हमने राइट ऑफ किया 8,56,380। अब पेटेंट्स आउटर कॉलम में आई है 16,93,620। वैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में बोला था कि 20% उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करना है, तो प्रोविजन किए हमने 20% 45,900, आउटर कॉलम में 1,83,600। स्टॉक इन ट्रेड के बारे में राइट ऑफ करने के लिए बोला था 45,000, तो 1,65,000 उसकी वैल्यू थी, माइनस रिटर्न डाउन हमने किया 45,000, आउटर कॉलम में आए 1,20,000। कैश इन हैंड एज इट इज, इसलिए कैश इन हैंड हमने एज इट इज रखा। अगर इन सब की टोटल लेते हैं तो आती है 24 लाख। यानी शुरुआत से हमने क्या किया था, पहले हमको सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए बोला था, यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस कंपनी लिमिटेड। लेकिन जर्नल एंट्री करने के लिए थोड़ा वर्किंग हमारे पास चाहिए, इसलिए हमने जो है स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्रिपेयर किया। स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में जिस प्रकार से कंडीशंस दिए थे उस प्रकार से हमने स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर किया। स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में अपने को क्या मिला कि जो रिड्यूस शेयर की वैल्यू रिड्यूस करने के बाद कितना अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल होता है, वो मेरे ख्याल से कितना था, 15 लाख के आसपास था अमाउंट अवेलेबल हुआ। अब वो जो अमाउंट अवेलेबल हुआ है उसका इस्तेमाल क्या क्या राइट ऑफ करने में किया गया है, तो स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में दोनों मिल गए अपने को कि अमाउंट कितना अवेलेबल हुआ है और जो अवेलेबल अमाउंट है या जो अवेलेबल अमाउंट हुआ है वो किस किस चीज के राइट ऑफ में इस्तेमाल किया, ये स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन से आपको मिल गया। उसके बाद में जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज के बारे में तीन एंट्री, पहले मेन एंट्री है इसमें, पहली तो अगर होगी तो प्रेफरेंस शेयर्स की, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे तो इक्विटी शेयर्स की, और उसके बाद में कैपिटल रिडक्शन की। तो उसके बाद में तीन जनरल एंट्रीज की हमने, और उसके बाद में जो है वो ये बैलेंस शीट की। तो इसमें वन बाय वन जो है कंडीशंस पढ़ के अपने को प्रॉब्लम करना है, तो ये प्रॉब्लम की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टोटल आती है नहीं आती है, टोटल मैंने लेके देखिए, फिर भी एक बार आप टोटल लेके देखिए। अगर कुछ यहाँ का आपको नहीं दिख रहा है तो आपको जो पीडीएफ फॉर्म में जो सॉल्यूशन भी भेजा है तो आपको देखना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।